हेलो, वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन। आज हम क्लास सेवेंथ में इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। इंडिकेटर्स यानी कि जो कुछ इंडिकेट करे। इंडिकेटर्स मीन्स विच इंडिकेट्स। अब वो क्या इंडिकेट करेंगे, तो यहाँ जो इंडिकेटर्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये हम लोग एसिड बेस इंडिकेटर पढ़ने वाले हैं। जैसे हम लोग ने लिटमस के समय देखा कि ब्लू लिटमस और रेड लिटमस। ब्लू लिटमस क्या करता है, अपना कलर चेंज करता है। अगर रेड तो बताता है कि वो चीज़ जिसके चलते उसका कलर रेड हुआ है वो एसिडिक है, और रेड लिटमस जब अपना कलर ब्लू करता है इसका मतलब वो बताता है कि जिस सब्सटेंस ने उसे ब्लू किया है वो क्या है, बेसिक नेचर का है। तो अब हम यहाँ पे इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ दिया हुआ सबसे पहले नेचुरल इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स नाम से क्या समझ में आता है कि वो हमें नेचर से मिलेगा, तो उनको हम लोग बोलते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स। ऐसा ही हमारा पहला इंडिकेटर कौन सा है, ऐसा हमारा पहला इंडिकेटर है लिटमस। तो लिटमस क्या होता है, लिटमस जनरली दो टाइप का होता है, ठीक है, ब्लू और रेड। लिटमस जनरली दो टाइप का होता है, ब्लू और रेड। इसको हम पेपर के फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, इसके पेपर स्ट्रिप्स भी मिलते हैं, और इसको हम सॉल्यूशन के फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। ये सॉल्यूशन फॉर्म में भी मिलता है। लिटमस के बारे में तो अब हमें बहुत जानकारी हो गई है कि रेड लिटमस ब्लू कब बन जाता है, जब बेसिक सॉल्यूशन रहता है, और ब्लू लिटमस रेड कब बन जाता है, जब एसिडिक सॉल्यूशन रहता है। ये तो हमारी लिटमस की कहानी है जो हम लोग पहले भी देख चुके हैं। अब हमारा दूसरा इंडिकेटर कौन सा है, हमारा दूसरा इंडिकेटर है टर्मरिक। टर्मरिक यानी कि हल्दी। तो हल्दी तो एक स्पाइस है, सब लोग जानते हैं, और ये एक नेचुरल इंडिकेटर भी है। अब ये कैसे बताता है अपना कलर चेंज करके कि कोई चीज़ एसिडिक है या बेसिक है, आइए वो हम देखते हैं। टर्मरिक का नेचुरल कलर होता है येलो, टर्मरिक सॉल्यूशन का। तो एसिडिक सॉल्यूशन में ये कलर चेंज नहीं करता है, नो चेंज इन कलर। लेकिन जब बेसिक सॉल्यूशन के कांटेक्ट में ये आएगा तो ये क्या करता है, ये पिंक या रेड कलर का हो जाता है। बेसिक सॉल्यूशन के कांटेक्ट में ये क्या हो जाएगा, पिंक या रेड कलर का, पिंक या फिर रेड कलर का हो जाएगा। अक्सर कपड़ों पे जब हल्दी का दाग लग जाता है तो जब हम उसको साबुन से साफ़ करते हैं तो वो किस कलर का हो जाता है, साबुन से साफ़ करने पे वो किस कलर का हो जाता है, वो रेड कलर का हो जाता है। रेड कलर का क्यों हो जाता है, क्योंकि सोप क्या है, सोप बेसिक नेचर का होता है। तो बेसिक सॉल्यूशन के कॉन्टैक्ट में आने से वो हल्दी का दाग, कड़ी का दाग किस कलर का हो जाता है, रेड या पिंक कलर का हो जाता है। हमारा तीसरा इंडिकेटर है चाइना रोज इंडिकेटर। चाइना रोज फ्लावर आप लोग जानते होंगे, उसके पेटल्स को लेके उसको पानी में कुछ देर रखने के बाद हमारा इंडिकेटर चाइना रोज इंडिकेटर तैयार हो जाता है। तो वो लाइट पिंक कलर का होता है। कैसा होता है, लाइट पिंक कलर का हमारा ये इंडिकेटर तैयार हो जाता है। अब ये सेपरेटली एसिडिक और बेसिक मीडियम में क्या शो करेगा वो देखते हैं। तो एसिडिक मीडियम में ये डार्क पिंक हो जाता है। कैसा हो जाता है, डार्क पिंक, जिसको हम लोग मैजेंटा कलर भी बोलते हैं, ठीक है। और बेसिक सॉल्यूशन में ये कैसा हो जाता है, ये ग्रीन कलर का हो जाता है। तो हम चाइना रोज सॉल्यूशन को भी यूज़ करके पता कर सकते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है और कौन सा सॉल्यूशन बेसिक है। तो यहाँ हम लोगों ने तीन सॉल्यूशन देखा, लिटमस देखा, टर्मरिक देखा और चाइना रोज देखा। लिटमस का क्या है, लिटमस दो तरह के होते हैं, रेड और ब्लू। लिटमस दो तरह के होते हैं, रेड और ब्लू, ठीक है। रेड बेसिक सॉल्यूशन के कॉन्टैक्ट में आके क्या बन जाता है, ब्लू, और एसिडिक सॉल्यूशन में वो रेड ही रहता है। ब्लू जो होता है वो एसिडिक सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आके क्या बन जाता है, रेड। तो यहाँ हम लोगों ने तीन चीज़ देखा। अच्छा, यहाँ पे चार्ट के हेल्प से समझ ले। चलिए तो मैं यहाँ एक चार्ट बना देती हूँ। ये रहा लिटमस। लिटमस हमारा दो तरह का हो गया, रेड और ब्लू। रेड बन जाता है बेसिक सॉल्यूशन के प्रेजेंस में कैसा, ब्लू, और ब्लू बन जाता है एसिडिक सॉल्यूशन के प्रेजेंस में कैसा, रेड। ये हमारा पहला
इंडिकेटर लिटमस है उसकी कहानी हुई। ठीक है, हमारा दूसरा लिटमस जो है टर्मरिक येलो, उसकी कहानी मैंने यहाँ पूरी लिखी है। तो लिटमस येलो की कहानी क्या है, एसिडिक सॉल्यूशन में कोई चेंज नहीं शो करेगा और बेसिक सॉल्यूशन के आते ही ये पिंक या रेड कलर का हो जाएगा। तीसरा हमारा इंडिकेटर है चाइना रोज। तो चाइना रोज के बारे में हम लोगों ने क्या देखा कि चाइना रोज लाइट पिंक कलर का होता है और ए का मतलब एसिडिक है। यहाँ एसिडिक सॉल्यूशन के प्रेजेंस में ये कैसा डार्क पिंक या मैजेंटा कलर का हो जाएगा और बेसिक सॉल्यूशन में ये कैसा हो जाएगा, ग्रीन कलर का हो जाएगा। ये तो कहानी हुई नेचुरल इंडिकेटर्स की। अब हम लोग यहाँ पे कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर्स भी जान जाते हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर्स मतलब जो लेबोरेटरी में आर्टिफिशियली प्रिपेयर होते हैं उनको सिंथेटिक इंडिकेटर्स कहते हैं। वो कौन कौन से हैं, फिनॉल फेथलीन, मिथाइल ऑरेंज और मिथाइल रेड। फिनॉल फेथलीन के बारे में जान लेते हैं। तो फिनॉल फेथलीन जो होता है वो किस कलर का होता है, ये एक कलरलेस लिक्विड है, मतलब इसका खुद का कोई कलर नहीं होता है, पानी के जैसा होता है। तो इस कैसे पता चलेगा कि एसिडिक और बेसिक मीडियम में ये क्या करता है, एसिडिक मीडियम में ये कलरलेस ही रहता है, यानी कि अपना कलर नो चेंज, कोई कलर का चेंज शो नहीं करता है। लेकिन बेसिक मीडियम के आते ही ये कैसा बन जाता है, बेसिक मीडियम के आते ही ये पिंक बन जाता है और अपना कलर चेंज करता है। तो फिनॉल फेथलीन जो एक कलरलेस इंडिकेटर है, ये कलरलेस ही रह जाता है एसिडिक मीडियम में, और बेसिक मीडियम में क्या हो जाता है, बेसिक मीडियम में ये पिंक कलर का हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज कैसा इंडिकेटर है, ऑरेंज पिंक इंडिकेटर है। ठीक है, अब ये एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में कैसा हो जाएगा, तो एसिडिक मीडियम में ये ऑरेंज कलर का हो जाता है और बेसिक मीडियम में ये किस कलर का हो जाता है, येलो कलर का हो जाता है। ये मिथाइल ऑरेंज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। आप लोगों को कौन सा इंडिकेटर किस कलर का है और एसिडिक और बेसिक मीडियम में वो कैसा कलर चेंज शो करता है, ये याद रखना है। अब आगे चलते हैं, एक नया चीज़ देखते हैं, वो है पीएच स्केल। जैसे हमारा कोई भी स्केल होता है वैसे ही एक पीएच स्केल भी बनाया गया है, जिसको 0 से लेके 14 तक मार्किंग की गई है। पीएच का मतलब होता है पावर या पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक है, हाइड्रोजन आयन, तो हाइड्रोजन आयन किस में निकलता है, हाइड्रोजन आयन हम लोगों ने देखा था एसिड की प्रॉपर्टी है, जितना हाइड्रोजन आयन जो एसिड वाटर में देगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है, ये हम लोगों ने देखा था, तो पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो इससे ये होता है कि 0 से लेके 6 तक जो लेवल है उसको हम लोग बोलते हैं एसिडिक मीडियम, और 8 से लेके जो 14 तक हमारा लेवल है इसको हम लोग बोलते हैं बेसिक। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एसिडिक और इसको हम लोग बोलते हैं बेसिक। और जो इनके बीच का नंबर है, 0 से 14 के बीच का नंबर क्या है, 7, ये हो जाता है न्यूट्रल। यानी कि 7 पीएच जिसका होगा वो सॉल्यूशन कैसे होंगे या वो सब्सटेंस कैसा होगा, वो सब्सटेंस न्यूट्रल होगा, जैसे कि प्योर वाटर। जितना कम पीएच होगा 0, 1 वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जितना ज़्यादा पीएच होगा 14, 13 वो उतना स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ठीक है, ये हुई हमारी एसिड और बेसिक की बेस की कहानी, पीएच स्केल के बारे में जानना। अब है हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसको मैंने पहले भी बताया है, एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके क्या करते हैं, वाटर और सॉल्ट बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, और इसी रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। अब इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें वाटर बनता है जो न्यूट्रल नेचर का होता है। अब जो हमारा ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है इसमें हमेशा हीट इवॉल्व होता है, तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। जिस रिएक्शन में हीट निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एसिड और बेस अगर इक्वल स्ट्रेंथ के लेंगे तो जो हमारा सॉल्ट बनेगा वो बनेगा न्यूट्रल, और वाटर तो न्यूट्रल होता ही है। ये सॉल्ट का नेचर एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है, डिपेंड करता है हम एसिड और बेस कैसा लेते हैं। ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे, वीक बेस लेंगे तो हमारा सॉल्ट कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे और वीक एसिड लेंगे तो हमारा सॉल्ट कैसा हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ एक एग्जांपल दिया हुआ है, नाइट्रिक एसिड प्लस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या बनाएगा, मैग्नीशियम नाइट्रेट और वाटर।
अगले क्लास में हम लोग सॉल्ट्स के बारे में जानेंगे। जितना मैंने पढ़ाया उसको आप एक बार और रिवाइज कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर से करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय स्टूडेंट्स।